Assalamualaikum student, hope you all are fine. Today we can start the class 5 HIFS. Subject is English, lesson number 3. The topic is transitive and intransitive verb. Page number 28 till 15. Open the book. It's your book, the grammar tree. Open page number 8. Now, the topic is transitive and intransitive verb. You know that? What is it, transitive and intransitive? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद होती है. अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिस जो काम करता है. फॉर एग्जांपल नाउन एंड प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन. जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी का मतलब लड़की. उसने क्या लिखा, खत लिखा. शी रीड्स अ बुक, उसने क्या पढ़ी, किताब पढ़ी. तो उसमें जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस का जो वर्ड होगा, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. एंड नेक्स्ट इज वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन, काम करने वाला. हमारे दोनों सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, लिखने का. राइट्स का मतलब लिखना, दिस इज कॉल्ड द वर्ब. सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. अ बुक क्या लिख रहा है, वो बुक लिख रहा है. क्या लिख रहा है, बुक लिख रहा है. तो जो बुक हमारा है वो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब. अब आ गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसमें से ऑब्जेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स, उसने लिखा, कुछ भी लिख सकती है. लेकिन जब हमने उसको बता दिया कि उसने पोयम लिखी है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. लेकिन अगर हम लिखते हैं शी राइट्स, दिस इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव. क्या कहा जाता है इसको, इंट्रांजिटिव. दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट कम बैक टू द रिटन वर्क. हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ए करेंगे, जो कि आपको सिर्फ और कॉपी में करनी. यू कैन डू दिस वर्क इन योर कॉपी, नॉट इन योर बुक. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स. Exercise A is pick out the verbs from the following sentences and say whether they are transitive or intransitive. Point out the subject of each verb and the object of a transitive verb. मतलब इसमें हमें क्या करना है, transitive और intransitive verb बताना है कि sentence में कौन सा word transitive और कौन सा intransitive verb है. It's your written work. Okay students? Now student, come back to the topic prefix and suffix. It's our lesson number 4, page number 17 till 20. Open page number 17. Now student, it's your topic prefix and suffix. First you can write the definition of prefix. A prefix is a letter, a group of letters added to the beginning of a word to form a new word, the meaning of which is usually different in same way from that of the original word. देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है pre, before, plus fix to attach in Latin word. Okay, prefix to the word man, we add the prefix super more better than to form a new word super man. This is simple. In Urdu you can say sabke aur lahike. फॉर एग्जाम्पल तादाद, लातादाद. ओके, दिस इज कॉल्ड द सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस. इट्स एग्जाम्पल ऑफ दिस, दिस प्लस लाइक इज इक्वल टू दिस लाइक. आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स वो वर्ड जिसके आगे वर्ड लग के सेंटेंस मुकम्मल होता है, दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स वो होते हैं जिसके अंदर वर्ड आगे इस्तेमाल होता है. आई एन प्लस सेन, इन सेन. यू अन प्लस होली, अन होली. ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्सेस. नाउ स्टूडेंट, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ सफिक्स. अ सफिक इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. मतलब कोई नया वर्ड बताते हैं आगे हमारा लफ्ज लगाकर. ई डी ing, this is called various tenses इसके हैं. For example, teach, er, teacher. पढ़ा, पढ़ाने वाला, teacher. Work plus er, worker.
रीड प्लस ई आर इज इक्वल टू रीडर, मतलब हमने इसमें लहका लगा लिया, वो साहब का था और ये लहका है उर्दू यूकेट से। आप उम्मीद है कि आपने अपने उर्दू में ये पढ़ा होगा। फुल हेल्प हेल्पफुल, क्या हो गया ये हेल्पफुल, हेल्पलेस, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, अरेंजमेंट, कैरियर, केयरफुल, केयरलेस, गुडनेस, स्कॉलरशिप, किंगडम, मैरिमेंट, दिस इज कॉल्ड द सफिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स कम बैक टू द रिटन वर्क। इट्स योर रिटन वर्क, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स। ओके, सबसे पहले आप सफिक्स और प्रीफिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे बुक में से देखकर ही। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 की हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज ए। ओके, और ये सारा काम आप कॉपी में करेंगे, आप कोई भी काम जो है वो बुक में नहीं करेंगे। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर के हमारे सिर्फ दो एक्सरसाइजेज है जो दोनों की दोनों हमें कॉपी में करनी है। ओके, फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज पर काम स्टार्ट कर देंगे। आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लेनेशन एंड डू योर वर्क विद नीटनेस। अपना काम बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से कीजिएगा ताकि हम अच्छे तरीके से आपकी कॉपी को चेक कर सकें। नाउ स्टूडेंट, कम बैक टू द लेसन नंबर 5, टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टॉपिक क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओपन पेज नंबर 24 टिल 25। नाउ स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द टॉपिक इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। We shall now look at another group of pronouns that are formed by adding the suffix singular or sleeve plural to some of the different forms of the personal pronoun. These pronouns are known as reflexive pronoun. क्या कहा जाता है उसको, reflexive pronoun. For example, my means mera, myself, yourself, himself, herself, itself, themselves. This is called the reflexive pronoun. Okay? ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा आपको जो चार्ट है इसको ये आपको कॉपी में करना होगा पूरा, ठीक है। ये डेफिनेशन के साथ ये आपको ये चार्ट बनाना होगा, फिर इसके एक्सरसाइज पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे नाउन को अच्छी तरीके से हमें डिफाइन कर देता है, प्रोनाउन को डिफाइन कर देता है। उसने काम किया अपने तरीके से, अपने आप, काम क्या किया अपने आप, तो जिसमें अपने आप का जो वर्ड होगा वो कॉल कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मेक द चार्ट, कॉपी द चार्ट इन योर कॉपी, नॉट इन योर बुक। इज द क्लियर फॉर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट लेट्स कम बैक टू द रिटन वर्क। मैंने पहले बताया, पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, वो चार्ट बनेगा और इसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 24 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंसर्ट करना है, लगाना है। ओके, ये सारा काम आप कॉपी में करेंगे। स्टूडेंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन एंड डू योर वर्क नीट एंड क्लीन वे। बेस्ट ऑफ लक।